का दोस्तों, जय माता दी। आज के प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पंचांग के बारे में, राशिफल के बारे में, और दूंगा मैं आपको एक अचूक उपाय जिसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो बात कर लेते हैं पंचांग की। पंचांग में दोस्तों संवत जो है 2080 है, वार जो है सोमवार है, पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है, 6:38 तक रहेगी। और नक्षत्र की बात करें दोस्तों, तो आज जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, इसका जो स्वामी है वो है केतु है। योग साध्य बना हुआ है, 8:49 तक रहेगा। योग जो है वो साध्य है। करण जो है कौलव है, 6:38 तक रहने वाला है। राहु काल की अगर हम बात करें, इसमें कोई भी कार्य शुभ नहीं करने चाहिए। 7:39 से शुरू होगा, 9:19 तक ये रहने वाला है। गुलिक काल की अगर हम बात करें तो 2:16 से शुरू होगा, 3:55 तक रहने वाला है। गुलिक काल में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यमगंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 10:58 से शुरू होगा और 12:37 पर ये समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाना पंचांग के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहने वाला है आज का आपका भाग्य। दोस्तों आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का जैसे कि मैंने बताया है कि आपका जो राशि का स्वामी है मंगल है। मंगल अभी नीच राशि में चल रहा है, तो यात्रा के योग बने हुए, व्यापार में काफ़ी अच्छी कमाई होने की संभावनाएं आपकी बनती है। और जो लोग नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आज के दिन व्यापार आपको नहीं शुरुआत करनी चाहिए, और अभी फिलहाल 1.5 महीने तक तो कोई भी आपको कार्य शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भाग्य की अगर बात करें तो आपका भाग्य 70% है। वृषभ राशि की बात करते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वाले लोग के लिए जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सुख मिलने वाला है। आज आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आ सकते हैं, उसके लिए ही आज पूरा दिन आप व्यस्त रहने वाले। कुल मिलाकर के आज पारिवारिक जो था है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आपका भाग्य तो बहुत ही शुभ है, और आपके भाग्य का जो प्रतिशत है वो 90%। मिथुन राशि दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोग के लिए जो स्वामी है बुध है, आज आपके घर पर कुछ धार्मिक कार्य होने के लिए जा रहा है, या फिर कोई धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। मन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, घाई नहीं करना चाहिए। अगर आप घाई नहीं करेंगे तो अच्छा आज प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लड़कियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई एक लड़का आपके जीवन में आने की संभावनाएं बनती हैं। कुछ आज रोमांटिक मोड में आप दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और आपका भाग्य जो है वो 95%। दोस्तों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोग के लिए आज जो रहेगा वो मध्यम समय रहने वाला है। जो भी कार्य करेंगे वो हर प्रकार से आपको धीमा नजर आएगा, लेकिन आप अपना संयम बना के रखिए, आत्मविश्वास आपको बना के रखना होगा, कहीं भी टूटना नहीं होगा। अगर आप टूटेंगे नहीं तो धीरे धीरे शाम तक आपको सफलताएं मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है, और आपका जो भाग्य है वो है 82%। सिंह राशि वाले लोग ये कहना चाहता हूँ कि आज संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान होने की पूरी पूरी संभावनाएं आज बनती है, और लड़के होने की भी संभावनाएं आपको बनेगी। आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखते हैं तो आज आपका काम करने की शैली है वो बहुत ही एनर्जेटिक आज आप दिख रहे हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। आज आपका भाग्य रहेगा 93%। कन्या राशि दोस्तों, कन्या राशि वाले लोग के लिए कहना चाहता हूं, उनका जो स्वामी है बुध है, आज आपको व्यापार तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं धोखे में लेकर के जा सकता है। पैरों में आपको सूजन या कोई दुखना, ऐसा कुछ ना कुछ आपको आज होने की संभावनाएं बनी है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करेगा। बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, बच्चे आज बहुत प्रसन्न रहेंगे, कहीं माता पिता को जीत करके वो अपनी बात मनवाने में बहुत ही सक्षम होंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपका 82% भाग्य आपका चमकेगा। तुला राशि वाले लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ, तुला राशि बहुत ही शुभ राशि होती है, और इसका जो स्वामी है वो है शुक्र है, तो आज आपको स्त्री से कहीं ना कहीं फायदा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्त्री संबंध से आज आप कुछ प्रॉफिट अवश्य कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या शेयर मार्केट में भी आपको प्रॉफिट अच्छा होते हुए आपके योग बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना धन चाहिए आज आप, भाग्य आपका रहने वाला है 85%। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल है। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है, क्योंकि आप थोड़े पहले से ही परेशान में हैं, और आपका जो राशि का जो स्वामी है वो नीच राशि में चल रहा है, तो थोड़ा संयम बना के रखना है, आपको प्रॉफिट भविष्य में अवश्य ही होने वाला है। जो स्त्रियां हैं, स्त्री वर्ग को कहीं ना कहीं बदन में आज अस्वस्थ महसूस करने वाली हैं, तो चिंता का विषय नहीं है, शाम तक वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपका मध्यम रहने वाला है, भाग्य आपका रहेगा 72%। धनुराशि वाले लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ, धनुराशि वाले आज जो सुबह से लेकर दोपहर तक का समय, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसके बाद का जो समय है, थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जितना आपको प्रॉफिट चाहिए था उतना आपने कमा लिया है। नया इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार रह सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं,
तो कुल मिलाकर के आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है और भाग्य का जो प्रतिशत है वो है 85%। मकर राशि का जो स्वामी है शनि, आज के कारोबार में आपकी वृद्धि होने वाली है, संतान से आपको सुख प्राप्त होने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं तो जरूर आप प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही खुशियों की खबर आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। कुल मिलाकर के आज आपका दिन बहुत ही शुभ है, भाग्य जो रहेगा 95%। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोग के लिए आज बहुत ही अच्छी बात यह है कि उनकी जो पत्नियां हैं उनकी सहयोग करेंगी। पत्नियों को लेकर के आप जो काफ़ी परेशान थे तो वो मतभेद भी आपके आज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी स्त्रियाँ हैं वो घर पर आज पूरी तरीके से सहयोग करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज आपके घर पे कोई नए मित्र भी आने की संभावनाएं बनती है जो कि काफ़ी समय से मिले नहीं थे। कुल मिलाकर के आज आपका दिन बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है, आपका भाग्य जो आया है वो 96% है। मीन राशि वाले लोग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज विद्यार्थी लोगों के लिए थोड़ा सा अपसेटपन आ सकता है, मन थोड़ा सा एक चिंता में डूबा हुआ है, लेकिन चिंता ना करें, सब ग्रहों की माया होती है। आज का दिन आप अगर शांत रहेंगे तो मुझे लगता है कि कल का दिन आपके लिए बहुत रास्ता अवश्य खुलेगा। जो लोग बच्चे हैं, बच्चे लोग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कुछ लोग थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन भी आने की पूरी पूरी आपके अंदर आज एक अलग सा ही माहौल देखने के लिए मिलने वाला है। नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आज का दिन जो है वो मध्यम रहेगा, आपका भाग्य जो निकल के रखे आया है वो 78% है। तो दोस्तों, आपने देखा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक में आज का दिन आपका कैसा जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि अचूक उपाय में दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि जो लोग काफ़ी समय से परेशान हैं पैसों को लेकर के, पैसा उनके हाथ में बचता नहीं या पैसा आ नहीं पाता है, तो आपको एक दूंगा एक सटीक उपाय। ये उपाय आपको क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है आपको करना है कि आप अगर मेल हैं तो आपके राइट साइड में आपको लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लेफ्ट हैंड में आपको लिखना है। सिर्फ आपका जो ये जो पर्वत होता है दोस्तों, ये पर्वत है, यहाँ पर आपको सिर्फ 24 लिखना है। ये 24 लिखने से आपके अंदर ये जो एनर्जी यहाँ की, ये एनर्जी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो पर्वत होता है वो शुक्र का पर्वत होता है, तो यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये जो है प्रयोग 40 दिन तक लगातार आपको करना है। 40 दिन में आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर धन का लाभ होना शुरू हो गया, या फिर आपके यहाँ पर पैसे नहीं बचते थे तो पैसे बचने शुरू हो गए हैं। ये देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप ये नियमित तौर से जो मैंने दिन बताया उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपको बहुत लाभ होगा। और लाभ होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये जो हमने उपाय बताया था ये आपको कितना कारगर सिद्ध हुआ। आशा रखते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।